जैन साथियों, आज इस वीडियो में मैं ये बात बताने वाला हूँ कि अगर आप एग्जाम देते हुए, मतलब आप एग्जाम ऑनलाइन दे रहे हो, कंप्यूटर बीच में बंद हो गया तो क्या करोगे। ये सब क्वेश्चन बहुत आया है, मतलब मेरे पे फोन आ रहा है, टीम के पास फोन आ रही है, बार बार कमेंट बॉक्स में बच्चे पूछे कि सर चलिए मान लीजिए जब ऑफलाइन देते थे तो पेपर रहता था तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी कि पेपर आराम से हम दे लेते थे, उसको चप्पो तपो के बढ़िया से जमा कर देते थे और कार्बन कॉपी लेके चले जाते। बट यहाँ पर तो ससुरा कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर वह अगर बिचवा में बंद हो गया तो क्या भाई। अगर मान लो यहाँ पे 2.5 लाख बच्चे देंगे एग्जाम, 2.5 लाख का मतलब मान के चलो 1 लाख के आसपास कंप्यूटर पे बैठ के देंगे, तो 1 लाख कंप्यूटर में 60 या 100 को तो कंप्यूटर बंद हो सकता है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि बंद एक को नहीं होगा, तो 100 को बंद हो सकता है। तो क्या होगा कि क्या मेरा एग्जाम बर्बाद हो जाएगा? बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये था कि तब तो सर मेरा 1 ईयर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये बात हो रही थी। तो साथियों इसका भी एक मैं निचोड़ बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो आप जब जाएंगे तो आपको एक घंटा पहले तो मतलब वैसे 90 मिनट पहले पहुंच जा रहा हो, अब 45 मिनट के आसपास पहले आप कंप्यूटर सिस्टम पे अपने पहुंच जाओगे। अगर समय से गए हो तो 45 मिनट पहले अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ जाओगे। अब बैठ के सिस्टम उस्टम थोड़ा बहुत टिंग टांग करके चला वाला के देख लेना कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है। अगर बहुत दुर्भाग्य, मतलब भाग्य सही नहीं है, दुर्भाग्य कह सकते हैं, दुर्भाग्यवश अगर इन द ड्यूरिंग ऑफ द कंप्यूटर, मतलब एग्जाम के ड्यूरिंग अगर आपका सिस्टम बंद होता है तो आप सबसे पहले क्या करें, घबराने की जरूरत नहीं है कि कब माथा पकड़ के बैठ गया, आई माय दादा करने लगे हमारा 1 साल बर्बाद हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, वहां के जो एग्जाम करा रहे उनको तुरंत चिल्ला के तुम उनको बुलाना है, ठीक है? आराम से नहीं है, सुनिए ऐसे नहीं, चिल्ला के सर सुनिए, ऐसे क्लास में कहिए सर पानी पीने जाना, वही से चिल्ला के बुला के इनको बोलना सर हमारा सिस्टम बंद हो गया। वो तुम्हारा 2 मिनट के अंदर नया सिस्टम की व्यवस्था कराएंगे, तुम्हारा उसमें लॉग इन करेंगे, वहाँ पे बैठ के तुम एग्जाम दे पाओ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तुम्हें होगा, आई नो वेरी वेल, सबको होता है अगर ऐसा सिस्टम होता है तो, मतलब ऐसा ना हो किसी के साथ, अच्छी बात है। धीरे धीरे सब लोगों ने इंप्रूवमेंट किया, जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर पर एग्जाम होना चालू हुआ था CBT, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसे आ रही थी, हमेशा थोड़ा बहुत तो आता ही रहता है क्योंकि ये कंप्यूटर है, ये मतलब कागज तो है नहीं, मिल गया आप करते रहिए, नहीं तो आपको ये सुविधा मिल जाएगी तुरंत। तो आपका 1 ईयर जो बच्चे कह रहे थे सर हमारा 1 ईयर बर्बाद हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका 1 ईयर बर्बाद नहीं होगा, आप थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखना और क्या करना, इस पर एग्जाम देने के बाद देना बंद होगा तो आप क्या करना, ये हमेशा सबके साथ नहीं होता, तो आप एग्जामिनर को बताना, एग्जामिनर नए कंप्यूटर की व्यवस्था कराएगा, वहाँ आपका ID लॉगिन करेगा, आप वहाँ एग्जाम दे पाओगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये साथियों महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आप सभी के साथ मैं शेयर किया, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करे तो मैं एक एक का रिप्लाई देना नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे 1 लाख बच्चे हैं वहाँ पॉसिबल नहीं होता है एक एक लोग का रिप्लाई देना, इसीलिए मैंने इस चीज़ को बताया। तो साथियों बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं अगर सब्सक्राइब करने का फायदा एक ही है कि हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे अगर छूट जाती है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। जिनको भी UP पॉलिटेक्निक वालों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई साहब, और जिनको न्यू बैच में ज्वाइन होना है वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।